नमस्कार, डीएनएन में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। पब्लिक एजेंडा में हम चर्चा करेंगे, जनता से जुड़ा हुआ बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। सरकारें बिजली और पानी पर बनती हैं और बिगड़ती हैं। ऐसा माना जाता है कि आज से बहुत साल पहले बिजली, सड़क और पानी के मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी ने जमकर केस कैस कराया था और उनकी सरकार आई थी। उसके बाद 15 साल तक भाजपा की सरकार रही। उस भाजपा सरकार में बिजली को लेके इतने सारे एमओयू हुए और बहुत सारे, हमारे पास बिजली पर्याप्त थी मध्य प्रदेश में, लेकिन दूसरी राज्यों से खरीदने की बात हुई और अगर नहीं खरीदेंगे तो भी उनको पैसा देंगे। 25 साल का एमओयू कर लिया गया। करोड़ों अरबों रुपए का बोझ मध्य प्रदेश की आम जनता को इसके कारण उठाना पड़ रहा है। वहीं एक नई वजह सामने आई है कि वो पैसा की भरपाई करने के लिए निजी जो विनियामक आयोग है, विद्युत विनियामक आयोग है, वह ऐसा माना जा रहा है कि शायद बिजली की दर बढ़ा सकता है। उसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन क्या जनता के ऊपर इसका बोझ डलेगा? माना जाता है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी सरकार में किसानों के लिए अलग से कैबिनेट हुआ करती थी, ऐसे एक बिजली कैबिनेट होने जा रही है। क्या होगा मध्य प्रदेश में, हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं आपको, फिर आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में कमलनाथ सरकार को सत्ता में आए 6 माह बीत चुके हैं। इन 6 महीनों में बीजेपी ने कई बार सरकार को आड़े हाथों लिया है और सरकार गिराने की बात भी कही। उस दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में बिजली कटौती और असमय कटौती की घटनाएं सामने आई हैं, जिसको लेकर बीजेपी ने कई स्थानों पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। अघोषित बिजली कटौती को लेकर सरकार ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि ये उनकी साजिश है, लेकिन कटौती पर लगाम न लग पाने से परेशान कमलनाथ सरकार ने बिजली कैबिनेट बुलाने का निर्णय लिया है। ये पहली बार होगा जब प्रदेश सरकार बिजली की स्थिति सुधारने के लिए अलग से कैबिनेट बैठक करेगी। देखिए, जो बिजली विभाग की हालत पिछले 15 साल में अगर हम आंकड़े उठा के देखें तो जो बीजेपी आज शोर मचा रही है बिजली को लेके, 2018 में अगर हम जुलाई जून जुलाई की बात करें तो बीजेपी जो आरोप लगा रही है बिल्कुल झूठे हैं। उनके समय में बिजली कटौती ज़्यादा होती थी, उनके समय में कम बिजली उपलब्ध थी, आज उससे स्थितियाँ कई बेहतर हैं। और बीजेपी ने जो घटिया ट्रांसफॉर्मर्स लगाए या जो खंबे लगे हैं, आज वो एक हल्की बारिश या हल्की तूफान में गिर जाते हैं और उसके मेंटेनेंस को लेकर सरकार पूरी तरह से सचेत है। प्रदेश में बिजली कटौती को लेकर विपक्ष में बैठी भाजपा सरकार को घेर रही है। इससे पहले भी सीएम कमलनाथ बिजली की समस्या से निपटने के लिए उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर चुके हैं। देखिए, बिजली कैबिनेट करें, चमगादड़ों पर चर्चा कर लेंगे, और जो षड्यंत्र अधिकारी रच रहे हैं क्या उन्हीं अधिकारियों के साथ बैठेंगे? क्योंकि उनका तो आरोप अधिकारियों पर भी है। तो कृषि कैबिनेट करते समय क्या उनके जो तमाम प्रकार के विभाग के अधिकारी हैं उनके साथ भी बैठेंगे क्या? उपकरणों के बारे में या तमाम ऐसे विषयों के बारे में जो केवल आरोप लगाकर बरी होने का काम ये सरकार कर रही है, ये बिजली कैबिनेट में बैठकर करेंगे क्या? पहले तय करें कि गलती कहाँ है। चमगादड़ों के कारण अगर बिजली जा रही है तो चमगादड़ों पर काम करने का बिजली विभाग को अधिकार नहीं है। बीजेपी का आरोप है कि शिवराज सरकार में सरप्लस बिजली वाले मध्य प्रदेश में बिजली कटौती की नौबत आ गई है। अब देखना ये होगा कि सरकार के बिजली कैबिनेट जैसे निर्णयों से प्रदेश में बिजली कटौती पर कितना असर पड़ता है। डेस्क रिपोर्ट, डीएनएन। हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बिजली संकट पर और बिजली कैबिनेट अगर होती है तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं और क्या किया जा सकता है, क्योंकि कृषि कैबिनेट होने के बाद भी लगातार प्रदेश में किसान आत्महत्या करते रहे। क्या समाधान के लिए सिर्फ कैबिनेट निर्णय ही उचित होते हैं? हम हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर कृष्णमोहन झा जी, हम उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ खबर नेशन के एडिटर इन चीफ गौरव चतुर्वेदी जी हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ पत्रकार के रूप में राम शर्मा जी हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। और सबसे पहले हम गौरव जी के पास आना चाहते हैं। गौरव जी, जो जैसा लब्बोलुआब लग रहा है कि कैबिनेट, हम बिजली के लिए कैबिनेट करें और कुछ आदेश कर दिए जाएं, लेकिन सच्चाई कुछ इतर है। क्या लगता है आपको कि ये समाधान हो जाएगा कैबिनेट से? देखिए, अगर हम पूर्व अनुभवों की बात करें तो मध्य प्रदेश में कृषि कैबिनेट हुई, पूर्ववर्ती सरकार ने कृषि कैबिनेट की थी, लेकिन कृषि कैबिनेट में जो निर्णय लिए गए उन्हें ईमानदारी से लागू नहीं किया जा सका और किसानों की हालत जस की तस बनी रही। अब मध्य प्रदेश सरकार बदलाव की स्थिति में, चूंकि मध्य प्रदेश में सरकार बदल चुकी है,
अब वो बिजली पर कैबिनेट करने जा रही है, तो जैसा भी भाजपा के प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल जी कह रहे थे कि समस्या कहाँ है पहले उसकी बारे में सोचना चाहिए, उसके बाद आप कोई भी कदम उठाएं कोई बुराई की बात नहीं। कैबिनेट में आप चर्चा कर सकते हैं, हो सकता है कुछ ऐसे निर्णय हों जो पावर करार से संबंधित हों, जो गैर जरूरी पावर करार लग रहे हैं, मध्य प्रदेश सरकार पर बोझ बन रहे हैं, उनको लेकर बात हो, लेकिन सबसे पहले प्रदेश के विद्युत हालातों को दृष्टिगत रखते हुए सारी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करना चाहिए, उसके बाद बिजली कैबिनेट हो तो बेहतर होगा। जी, क्या बिजली कैबिनेट करने के बाद भी, जो चूंकि 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और जब 15 साल पहले भाजपा की सरकार आई थी उस समय मध्य प्रदेश में बिजली के लिए हाहाकार मचा हुआ था, सरकार आई बहुत सारे पावर प्लांट शुरू हुए और पावर प्लांट शुरू होने के बाद हमारे यहाँ बांध से भी बिजली बनने लगी, कुछ कोयले से बिजली बनती थी, आजकल पूरे मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड उनका कहना था कि हम सौर ऊर्जा और विंड एनर्जी की तरफ भी काम किया गया है, इतनी एनर्जी आने के बाद, इतनी बिजली आने के बाद भी ऐसे हालात के लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं गौरव जी आप? देखिए, जो मध्य प्रदेश के हालात हैं उसमें विंड पावर में और सोलर पावर में बहुत बेहतर संभावनाएं हैं, प्रदेश में भी और डेवलप किया जा सकता है इस क्षेत्र को, चूंकि बेतहाशा इंडस्ट्रियल समिट्स हुई थी और उस समय लगा था कि प्रदेश में आने वाले समय में औद्योगिक उत्पादन इंडस्ट्रीज आएंगी तो उनके लिए बिजली की ज़रूरत होगी, और उसको दृष्टिगत रखते हुए तत्कालीन सरकार ने अपने MOUs के एग्रीमेंट किए और बाद में वो इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश में आई नहीं, तो जिसका एक गैर वाजिब जो बोझ है वो मध्य प्रदेश की जनता पर पड़ रहा है। दोषी उस समय के अधिकारी हैं जिन्होंने वास्तविक स्थिति का आकलन नहीं किया, दोषी उस समय के राजनेता हैं जिन्होंने ईमानदारी पूर्वक विश्लेषण नहीं किया, तो अब दोष सबसे पहले तो उनका है, चूंकि मध्य प्रदेश में हाल फिलहाल अभी 6 महीने हुए नई सरकार को बने हुए, तो अब ये क्या निर्णय लेते हैं कैसे काम करेंगे ये देखने वाली बात होगी। संभावनाएं लगती हैं आपको कि अगर ऐसा बिजली कैबिनेट कर बैठक करके जो ऐसा रजनीश जी ने कहा कि तथ्यों पर कम से कम जाएं कि क्या वजह होगी? हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर समूह के पॉलिटिकल एडिटर कृष्णमोहन झा जी हैं। झा साहब, आपको क्या लगता है कि इस तरीके के जो इसे हम ये कहें कि कोशिश कहें या प्रोपोगंडा कहें, लेकिन बिजली पर्याप्त है, मेंटेनेंस के अभाव में ऐसी स्थिति बन रही है और दूसरे राज्यों में सस्ती बिजली है, मध्य प्रदेश में महंगी बिजली है? सही कह रहे हैं शिशिर जी, क्योंकि जिस ढंग से 2003 में BSP को लेकर के मध्य प्रदेश में भाजपा की वापसी हुई थी, मध्य प्रदेश में लगातार 15 साल की सरकार रही और खासतौर पर बिजली, पानी और सड़क, ये तीनों चीज़ों पर बहुत ज़बरदस्त ढंग से काम हुआ। और आप देखिए कि 6 महीने पहले मध्य प्रदेश में बिजली की जो अव्यवस्थाएँ थी बिल्कुल नहीं थी, प्रॉपर बिजली मिल रही थी, लेकिन 6 महीने में अचानक क्या हुआ, कहीं ना कहीं कोई चीज़ें हैं, आप किसी चीज़ का कानून बना देने से, कैबिनेट रख देने से कुछ होने वाला नहीं। अभी गौरव जी ने बहुत अच्छी बात कही कि पहले कृषि कैबिनेट हुई, हमने देखा क्या हस्त्र हुआ, बहुत सारी चीज़ें आप कैबिनेट में अलग से लेकर के आए, क्या कृषि का स्तर सुधर पाया, कृषि को क्या एकदम हम अलग दिशा ले जाए? निश्चित रूप से कागजों में आप कृषि विकास दर आपने बढ़ा दी, कई अचीवमेंट हो गए, कई पुरस्कार मिल गए आपको, कृषि कर्मण अवार्ड लगातार आप 5 बार लेते रहे, तो ये अवार्ड क्या स्थिति बनी, आज सूखे की स्थिति बनी है, लोग पलायन कर रहे हैं, तो ये देखने वाली बात है कि हम जमीनी स्तर पर कहाँ पे हैं, अचानक ऐसा क्या हो गया जो 6 महीने में सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई। जो BJP के प्रवक्ता कह रहे हैं वो एक आम आदमी की बात भी है, कहीं ना कहीं कोई त्रुटि है, कोई व्यवस्थाओं में गड़बड़ी है, कुछ लोग गड़बड़ी कर रहे हैं, जैसा कि कई मामलों में कई तथ्यों से पता चला कि कई लोग जो है सरकारी छवि बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों पर सरकार को सोचना चाहिए वनस्पत कैबिनेट में, क्योंकि कैबिनेट करके कोई कानून बना करके केवल आप औपचारिकता पूरी करते हैं, लेकिन उसे क्रियान्वयन सही ढंग से हो, आपको ये प्रयास करना पड़ेगा कि आज से 6 महीने पहले जो स्थिति थी, जो प्रॉपर लोगों को बिजली प्रदाय हो रहा था, वैसे ऐसी स्थिति निर्मित हो, प्रॉपर लोगों को चीजें मिल पाए, जो उत्पादन तो यथावत है, कोई उत्पादन की इकाई तो बंद नहीं हो गई, कोई ऐसा सूखा तो आ नहीं पड़ा कि पता चला हमारे बांध सूख गए हों, नदियां सूख गई हों, जिससे बिजली का उत्पादन नहीं हो पा रहा है, ऐसी कोई विपरीत परिस्थितियां अभी मेरे को लगता है, मेरी जानकारी में तो नहीं है, जिससे बिजली उत्पादन कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ हो। जब बिजली उत्पादन प्रभावित नहीं हुआ, चूंकि आप जानते हैं बिजली ऐसी चीज है
कि आप उसका संग्रहण करके नहीं रख सकते, यदि उत्पादन हुआ है तो आपको उसको प्रदान करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार भी बिल्कुल नहीं चाहेगी कि सरकार इस प्रकार का जोखिम ले, क्योंकि अभी सरकार नई नहीं है और आप जान रहे हैं कि अभी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, तमाम तरह का दबाव उसके ऊपर है। एक तो विपक्ष बड़ा मजबूत है, विपक्ष के साथ साथ मीडिया एक सकारात्मक भूमिका पर यहाँ बैठा हुआ है, तो ये तमाम तरह की जो चीज़ें हैं इसको लेकर के कहीं ना कहीं अभी सरकार को समझना होगा और देखना होगा कि किस ढंग से जो है और बेहतर व्यवस्था की जाए। केवल आप कैबिनेट के माध्यम से इस चीज़ को ठीक नहीं कर सकते हैं। यहाँ साहब क्या लगता है आपको कि चूंकि एक तरफ ये सरकार आई थी हाफ बिल बिजली का बिल हाफ कर देंगे इस नाम पे, और अब ऐसा सूत्रों से पता चला है कि 12% रेट बढ़ाने की बात चल रही है, जो अब अभी जो रेट चल रहे हैं बिजली के जो आम उपभोक्ता मध्य प्रदेश में, उसको एक 12% की और बड़ी दर से बिजली मिलेगी। तो ये आपका जो संकल्प पत्र था, दृष्टि पत्र था, जो आपने कहा था वचन पत्र था, उसके अपोजिट होगा ये? देखिए, संकल्प पत्र में निश्चित रूप से उन्होंने कहा था कि हम 50% माफ कर देंगे, और उन्होंने छत्तीसगढ़ में इस बात को इम्प्लीमेंट कर दिया है, क्रियान्वयन शुरू हो चुका है। आप ये दोनों को कंपेयर करेंगे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, तो छत्तीसगढ़ में अंतिम समय पर बीजेपी शासन काल में वहां पे विद्युत उत्पादन प्रभावित होने लगा था, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन मध्य प्रदेश में बिजली की जो व्यवस्था थी बड़ी जबरदस्त थी, मांग आपूर्ति बिल्कुल बराबर चल रही थी, सब चीजें सही होने के बाद, जैसा कि आपने कहा कि उनके संकल्प पत्र में बात थी, तो मेरे को लगता है कि संकल्प पत्र में जो बातें होती हैं हम उसको बहुत जल्दी उम्मीद ना करें, क्योंकि राजनीतिक बातें होती हैं, हमने बहुत लोगों की संकल्पों को भी देखा है, तो तत्काल चीजें नहीं होती। निश्चित रूप से सरकार को अभी समय देने की आवश्यकता है, क्योंकि 3 महीने तो आपके आचार संहिता में लग गए, लोकसभा का चुनाव था उसमें आचार संहिता में चला गया, कर्ज माफी में पूरी सरकार लगी रही, तो ये तमाम तरह की चीजों में हमें भी थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है कि हम इंतजार करें कि ये संकल्प तब पूरा हो पाएगा। और खासतौर पर जब ये जब जहां तक बात आप कह रहे हैं कि बिजली में आधा करने की बात थी, तो जब आधा अभी जब जो प्रदाय ही सही प्रॉपर ढंग से नहीं हो पा रहा है, तो ये आधा कैसे कर पाएंगे? तो ये जो समस्या है इसमें सरकार जूझ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब व्यवस्था परिवर्तित होती है तो बहुत सारी तकनीकियां दिक्कत भी होती हैं, जो पहले से लोग बैठे हुए हैं तो उसकी कहीं ना कहीं आस्था किसी के साथ रहती है, तो ये तमाम तरह की चीजें देखी जाती हैं इसमें। बिल्कुल, मैं राम शर्मा जी के पास आना चाहता हूँ। राम, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से सरकारें दबाव डालती हैं, जिस तरीके से सरकारें करती हैं, उसमें जनहित कम होता है, बड़े उद्योगपतियों का और बड़ी कंपनियों का फायदा ज्यादा होता है, निजी जो विनियामक आयोग है विद्युत का वो रेट तय कर देता है, लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और होती है, तो ऐसा जनता के प्रति सरकारें संवेदनशील नहीं है क्या? देखिए, सड़क, पानी और शिक्षा, स्वास्थ्य, ये बुनियादी समस्याएं हैं भारत की, और मुझे नहीं लगता कि आजादी के बाद से लेकर अब तक इस क्षेत्र में कहीं कोई बड़ा सुधार या कोई बड़ा काम कोई सरकार कर सकी है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हो, इनके अपने खाका बनते रहे हैं उत्थान करने की, लेकिन समस्याएं हर क्षेत्र में जस की तस है, ये कड़वी सच्चाई है और हमें स्वीकार करना होगी, और इसके प्रति सभी की नैतिक जवाबदेही है, मीडिया को इस पूरे मामले में संज्ञान लेना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज के जो लोग हैं उनमें कम से कम कुछ प्रतिशत लोग ऐसे हों जो इस मुद्दे को, सामाजिक मुद्दे को ज्वलंत मुद्दा मानते हुए पूरी पारदर्शिता के साथ काम करें। आज सबसे ज्यादा आवश्यकता इस बात की है, बंद कमरों में और एसी चालू करके वहां जो नीतियां बनाई जाती हैं, बड़े बड़े अफसर होते हैं, मिनिस्टर होते हैं, वहां की चीजें अलग होती हैं और जमीनी सच्चाई उन चीजों की अलग होती है। हम बात मध्य प्रदेश नहीं पूरे भारत में, चाहे शौचालय निर्माण की बात करें, स्वच्छता अभियान की बात करें, सर्व शिक्षा अभियान की बात करें, स्वास्थ्य को लेकर हमीदिया में मुख्यमंत्री कमलनाथ गए उस दिन की हालत, और अभी जाके आप देख ले आज की हालत, तो चीजें बिल्कुल बदल जाती हैं। अखबार के पहले पन्ने पर चीजें छपती हैं, उन्हें छापने का जो डेटा है, उन्हें छापने की जो कंडीशन होती है वो अलग होती है, न्यूज चैनल के ऊपर जो कंटेंट दिखाए जाते हैं वो सरकारें डिसाइड करती हैं, ये कड़वी सच्चाई है, आपको स्वीकार करना होगी। तो ये सबसे बड़ी समस्या इस देश में है कि इस देश की मीडिया को, राजनीतिक दलों को और समाज को इन बुनियादी समस्याओं के ऊपर मिलकर एक साथ काम करना होगा। मैं सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहूंगा, और इससे पहले की जो सरकार मध्य प्रदेश में थी उस सरकार ने यहाँ कुछ नए उद्योग स्थापित किए, माना यह जा रहा है कि उस सरकार के तात्कालीन एक मंत्री के करीबी लोग थे जिनने कुछ नए उद्योग लगाए, नए उद्योगों के लिए बिजली की दरें कुछ और थी और पुराने जो उद्योगपति हैं उनको बिजली के रेट कुछ अलग थे। इस कंडीशन पर मध्य प्रदेश में बिजली आई और उससे उद्योगपतियों को, जो पुराने उद्योगपति थे, बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। डॉक्टर साहब, आप देख सकते हैं कि वो जो पुराने उद्योगपति थे उन्हें जब
बढ़े हुए रेट में बिजली मिली, नए उद्योगपतियों को कम रेट में बिजली मिल गई, तो इनका जो उत्पादन था, इनकी जो लागत थी, इनके आयात और निर्यात की जो कंडीशंस थी वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुई सबसे ज्यादा। और पिछले लंबे समय से वो पुराने जो उद्योगपति थे वो जीएसटी और जो दूसरे टैक्स हैं वो देते चले आ रहे थे, तो उनको बहुत बड़ा, जो पुराने उद्योगपति थे आज वो दिवालिया होने की स्थिति में है। तो आज ये चीज एक स्पष्ट है सबसे पहले कि वो जो सरकार थी उस समय उन छह उद्योगों को लाभ पहुंचाने के लिए वो किया गया। आज ये सरकार आई तो उनके जवाब में शिवराज सिंह चौहान ने एक नीति बनाई कि हम 200 रुपया हर आदमी से लेंगे, वो जितनी चाहे बिजली जलाए, हर गरीब परिवार से। ये आए तो इनने ये कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अगर इस वर्ग का कोई व्यक्ति है और उसके पास बीपीएल का कार्ड है तो वो 100 यूनिट की जो बिजली है वो महीने भर उसके लिए, उससे अंदर की जो बिजली है 99 यूनिट या 100 यूनिट वो फ्री रहेगी। तो अब यहाँ एक ये वाली बात भी है कि क्या ब्राह्मण गरीब नहीं हो सकता, कोई ठाकुर गरीब नहीं हो सकता? तो ये ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, इनमें बड़े बदलाव की आवश्यकता है और इन पर मैं समझता हूं कि सरकारों को पत्रकारों के साथ बैठ के बात करना चाहिए जी, बार्डों में अलग अलग जाके बात करना चाहिए, गांव के छोटे से छोटे और शहर के हर बड़े से बड़े आदमी से मिलकर बात करना चाहिए योजना बनाने के पहले। तो आज बहुत ज्यादा सुधार की आवश्यकता है, कैबिनेट में मुख्यमंत्री और उनके मंत्री इस विषय पर गंभीरता से काम करें ताकि मध्य प्रदेश में ये समस्या जो है इससे निजात मिलना चाहिए लोगों को। हम गौरव जी के पास आना चाहते हैं। गौरव जी, ऐसे मुद्दे आते रहते हैं लेकिन संवेदनशील सरकारें नहीं होती हैं, क्योंकि नियामक आयोग ने जो तय कर दिया उन्होंने कहा, लेकिन क्या आज सांप छछूंदर की स्थिति नहीं बन रही है? सरकार आई थी कुछ और दावा करके, और अगर निजी नियामक आयोग ने अगर ऐसा निर्णय कर लिया तो पिसती तो आम जनता है इसमें। सुशील जी, पिछली सरकार के दौरान जो बिजली का घोटाला हुआ है वो लगभग 2 लाख करोड़ से ऊपर का घोटाला है जी। सरकार ने जो बेहिसाब बिजली के करार किए थे जिनका बोझ आने वाले समय में भी मध्य प्रदेश के ऊपर पड़ना है, उन करारों को मंजूरी देने वाला जो आम जन के हितों का ख्याल रखता है विद्युत नियामक आयोग, उसकी भी उल्लेखनीय भूमिका रही। उन्होंने भी उन विद्युत करारों को अपनी स्वीकृति प्रदान की जिसके कारण पूरे प्रदेश में 2 लाख करोड़ से ऊपर का बिजली घोटाला हुआ पिछले 15 साल के दौरान। ये विद्युत नियामक आयोग की गलती नहीं थी कि वो दर बढ़ा रही, दर बढ़ाने का प्रस्ताव शासन देता है, शासन के उस प्रस्ताव को स्वीकार करना या अस्वीकार करना विद्युत नियामक आयोग की जवाबदारी है जी। उस समय के तात्कालिक हालात में कितनी विद्युत की जरूरत थी, भविष्य में कितनी आवश्यकता पड़ना थी, उसके हिसाब से अगर विद्युत करार की अनुमति विद्युत नियामक आयोग देता तो संभवतः बिजली कैबिनेट कराने की आवश्यकता आज नहीं होती। सरकार कभी भी किसी के प्रति संवेदनशील नहीं होती है, ये मैं पिछले 25 वर्षों से लगातार देखता रहा हूँ, क्योंकि सरकारों के कामों पर नज़र रखने की जवाबदारी मुझे समाज ने सौंप रखी है। किसी एक मुद्दे पर वो आम जन के नज़दीक जाते हुए दिखाई देते हैं तो दूसरे मुद्दे पर उसके खिलाफ चले जाते हैं जी। लेकिन इम्पॉर्टेंट उनके लिए जो रहता है कि किसी घोटाले को अंजाम कैसे दिया जा सकता है। 2 लाख करोड़ रुपए की बिजली घोटाला जो हुआ है, अगर इसको तत्कालीन सरकार रोकने का प्रयास करती तो आज मध्य प्रदेश सरकार पर जो 2.25 लाख करोड़ रुपये का कर्जा है उससे हम बच सकते थे। तो सरकारें कभी संवेदनशील नहीं होती। सरकार में बैठे हुए लोग अगर अपनी जवाबदारी को ईमानदारी से निर्वाह करें तो इस तरीके के ना घोटाले होंगे और ना आने वाले समय में किसी प्रकार के भार आप पर और हम पर पड़ेंगे जी। ये जो गौरव जी बातें की जाती हैं कि पूर्व में भी कहते थे किसान पुत्र हैं और जनता के मुख्यमंत्री हैं, अभी मान लीजिए कि उद्योगपति मुख्यमंत्री बन गए हैं, जनता से बहुत ज्यादा वास्ता नहीं रहता, ना मीडिया से वास्ता है, लेकिन क्या कभी इनको ये नहीं लगता है कि जनता के द्वारा चुने गए हैं और जनता के लिए काम करना इनका जरूर आवश्यकता होती है, लेकिन सिर्फ जनता को छोड़ के बाकी लोगों के लिए उद्योगपति के समर्थन में नीति बन सकती है, नेताओं के समर्थन में, माननीय विधायकों के, माननीय सांसदों के, उनके लिए तो नीति बन जाती है, जनता के लिए नीति नहीं बन पाती?
नहीं, जनता के लिए नीति बनाती है सरकार, ऐसा नहीं है। हाँ। लेकिन उनका क्रियान्वयन ईमानदारी पूर्वक नहीं होता है जी। और जनता के लिए नीति बनाई जाती है तो वोट बैंक के लिहाज से बनाई जाती है। हाँ। जी। पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अपने उदारवादी चेहरे को दिखाते हुए जी आम जनता के हित में योजनाएं बनाई। हाँ। लेकिन उनके संरक्षण में विद्युत घोटाला हो गया जी। नए मुख्यमंत्री उद्योगपति हैं, तो इन उद्योग इन मुख्यमंत्री का भी बिजली से कोई पुराना नाता ना हो ऐसा नहीं कह सकते हैं। मध्य प्रदेश में बिजली के उपकरणों की सप्लाई, विद्युत संपदाओं से संबंधित कार्य के करने के लिए इनकी पुरानी एक कंपनी काम कर रही है जी। जिस मुद्दे पर 2003 में दिग्विजय सिंह की सरकार गई थी, उस समय भी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक विद्युत के ठेके जो थे जी वो वर्तमान मुख्यमंत्री के निकटस्थ लोगों को मिले थे जी। तो आज भी इस मुद्दे पर आने वाले समय में अगर कोई बिजली संकट की बात हो रही है या विद्युत उपकरणों की बात हो रही है, और जैसा भी झा साहब ने कहा कि 6 महीने पहले तक बिजली की स्थिति बहुत अच्छी थी, फिर खराब कैसे हो गई? भारतीय जनता पार्टी ने भी ये आरोप लगाया था कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी या बड़े टेंडर के माध्यम से वर्तमान सरकार या उससे जुड़े हुए लोग कुछ गड़बड़ी करने की तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है ये भी संवेदनशील ना होते हुए अपना व्यवसाय खेत देखते हुए काम करे ये सरकार, इससे इनकार नहीं कर सकता। गौरव जी, जी इस तरीके के जो मुद्दे होते हैं, पहले भी बहुत सारे घोटाले, कभी ऐसे मामले उजागर हो पाते हैं? आज आप जो 2 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं, ये इतना बड़ा, कई चर्चाएं हुई हैं, सदन में भी इसकी चर्चा हुई, लेकिन कभी आज तक पता नहीं चल पाया कि ऐसा क्यों किया जाता है कि 25 साल तक तुमसे बिजली लें या नहीं लें, हम तुमको पैसे देते रहेंगे। मतलब ये तो सीधे सीधे सरकार गिरवी रख दी जाती है, जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा कहीं दूसरी जगह दे दिया जाता है। राजनेता और अफसर घोटाले करें कोई बुराई की बात नहीं है, लेकिन जब उन घोटालों पर चर्चा या जांच की बात आती तब सरकारें ईमानदारी से कदम उठा लें तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। आपने भी देखा होगा पिछली सरकार के दौरान व्यापम जैसा महाघोटाला हुआ, विद्युत घोटाला हुआ, और भी बहुत सारे घोटाले हुए थे। इस सरकार में भी घोटालों की शुरुआत कभी भी हो सकती है, सिर्फ सामने नहीं आए हैं, हो सकता है 1-2 घोटाले कुछ दिनों में अगले सत्र के दौरान सामने आ जाए। केंद्र सरकार, वर्तमान केंद्र सरकार भी और पूर्ववर्ती केंद्र सरकारें भी, उनके समय भी घोटाले हुए, लेकिन एक परिपाटी आने वाले समय में और वर्तमान समय में जो बनती जा रही है कि उन पर जांच कराना तो दूर, अब चर्चा कराने की भी बात नहीं होती है। अगर किसी भी प्रकार का कोई आरोप लगाए तो उस पर गंभीर चर्चा या गंभीर जांच कराने की भी सरकार आवश्यकता नहीं समझती है। जी बिल्कुल, हम कृष्णमोहन झा जी के पास आना चाहते हैं। कृष्णमोहन जी, जो गौरव जी ने जो बात कही, आपको क्या लगता है कि सरकारें यदि जनता के बारे में सोचें, क्योंकि पहले ऐसा कहा जाता था कि जनता सरकार होती है वो सबसे ज्यादा आम जनता की बात सुनती है, लेकिन वोटों की राजनीति, तुष्टिकरण की राजनीति के चलते ऐसी परिस्थिति बन जाती है? देखिए सिद्धि भाई, ये कहना तो बिल्कुल गलत है कि जनता के लिए सरकार नहीं सोचती। यदि जनता के लिए सरकार नहीं सोचेगी तो 15 साल आप सरकार नहीं चला पाएंगे, 25 साल आप सरकार पे नहीं बैठ पाएंगे। ये तो बिल्कुल गलत बात है कि सरकार जनता के लिए नहीं सोच रही, क्योंकि जनता बहुत जागरूक है, आपको बर्दाश्त ही नहीं करेगी, उखाड़ फेंकेगी आपको। आपको काम करना पड़ेगा, ये बात जरूर है। जब आप काम करते हैं तो बहुत प्रकार की चीजें होती हैं, क्योंकि जब काम करने वाला व्यक्ति रहता है उसको लेकर के बहुत सारी चीजें होती हैं। उसमें जब आप कोई काम करने जाते हैं तो उसमें सबके स्वार्थ निहित होते हैं, तो इससे आप इनकार नहीं किया जा सकता कि राजनीतिक दल भी जो है उससे कहीं ना कहीं प्रभावित ना हो। निश्चित रूप से जो गौरव भाई ने कहा बहुत सही बात कही, आपको यदि ध्यान होगा तो 1980 से लेकर के 2003 तक, यदि हम पावर की बात करें, पीएचई की बात करें और इरिगेशन की बात करें, तो ये कमलनाथ जी से जुड़े लोगों के हाथ में होती थी, और कहीं ना कहीं परोक्ष अपरोक्ष रूप से जो नियंत्रण होता था कमलनाथ जी का ही होता था। तो कमलनाथ जी बहुत बड़े जानकार हैं इन सब चीजों के, इन विषयों के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, और वो जानते हैं कि कहाँ किस प्रकार की समस्या है। ये बात अलग है, यूं तो मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल बहलाने को ख्याल अच्छा है गालिब। वो अच्छे से जान रहे हैं कहाँ कमियां हैं, कहाँ परेशानी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बिजली की जो समस्या है लोकसभा में बहुत दिक्कत खड़ी करी। आज उनकी जो सीटें जो है केवल एक रह गई, यानी सिंधिया जी जैसे लोग जो अजय कहलाते थे वो
चुनाव हार गए तो ये बड़ा दुर्भाग्य का क्षण रहा है। तो और मेरा ये मानना है कि सरकार को थोड़ा समय देना चाहिए, वक्त लगेगा लेकिन ये व्यवस्था उनकी ठीक हो जाएगी। और केवल कैबिनेट की बैठक से, क्योंकि आप कैबिनेट बुला करके आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको आपको करना तो चर्चा चाहे कैबिनेट में करें चाहे अलग से करें, चर्चा तो आपको करनी पड़ेगी, साथ में अधिकारियों से बात करनी पड़ेगी, तो जो त्रुटियां हैं वो तो दिख जाएंगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि आने वाले समय में जो अव्यवस्थाएं, चूंकि सरकार को यदि आगे बने रहना है, लोगों का दिल जीतना है, तो बिजली जैसी महत्वपूर्ण जो समस्या है उसका निदान करना पड़ेगा और इसके लिए सरकार आने वाले समय में और गंभीर होगी। जी, क्या आपको लगता है कि क्या ऐसा काम किया जाए झा साहब जो ये जनता के प्रति जवाबदेही का भान होने लगे? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जनता के लिए नीति बनती है, लेकिन वोटों की राजनीति, तुष्टिकरण की राजनीति, और ये सिर्फ इनके लिए है ये नियम। आज भी बहुत सारे नियम कानून कायदे सिर्फ पर्टिकुलर कुछ लोगों के लिए ही बनते हैं। शिशिर भाई, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। जब आप कोई योजना लेकर के आते हैं उसके पीछे, क्योंकि आप दूसरे ढंग से भी देखिए, हम पत्रकार हैं, हमें समग्र रूप से देखना चाहिए। जो कई वंचित रहते हैं, जो चीज़ों को नहीं कर पाते हैं, उनके लिए एक अलग व्यवस्था बनाई जाती है, चाहे वो आरक्षण की व्यवस्था हो चाहे अन्य व्यवस्था हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो पे नहीं कर पाते हैं, ठीक है, सामान्य क्रम में उनको पे करना कठिन होता है, उनका जीवन बहुत निचले स्तर पर रहता है, तो उसके लिए भी सरकार योजना लेके आ रही है, तो हमको तो स्वागत करना चाहिए। BPL जो कार्ड धारक हैं, हाँ ये बात जरूर है कि इसमें आप कई प्रकार के, हमने खुद ही देखी, कई स्टोरी हमने की है कि जो BPL के नाम पे जो बड़े बड़े रईस लोग हैं वो उसका दुरुपयोग करते हैं। तो उपयोग और दुरुपयोग दोनों चीजें। अब एक बत्ती कनेक्शन का जिस ढंग से बेजा दुरुपयोग हुआ प्रदेश में, और उससे बाद देखिए कि पूरे प्रदेश की जो व्यवस्था है वो चरमरा गई थी, कई साल लग गए थे विद्युत व्यवस्था ठीक करने के लिए, है ना। तो ये सब चीजें जो हैं वो हमारे सिस्टम को कहीं ना कहीं खराब करती हैं। अब मेरा तो बिल्कुल मानना है कि जिस ढंग से मोदी जी चल रहे हैं और जिस ढंग से उन्होंने सब्सिडी और ये सब चीजों को, तमाम चीजों को दूर करने का प्रयास किया है, आने वाले समय में मेरे को लगता है कि जो और अन्य सरकारें भी हैं, राज्यों की सरकारें भी हैं, उस दिशा में काम करें और धीरे धीरे जो सब्सिडी है या इस अन्य प्रकार की जो छूटें हैं वो सब देना बंद करना चाहिए उनको। जी, खासकर छूट पे बहुत ज्यादा वो। मैं राम शर्मा जी के पास आना चाहता हूँ। राम जी, क्या लगता है आपको कि जो परिस्थितियां हैं, जैसी परिस्थितियां, उसमें सुधार के लिए सरकारों को और अधिक संवेदनशील होना चाहिए? बिल्कुल, मैंने आपसे कहा, आपके पहले प्रश्न में भी मैंने जवाब दिया था कि जो जमीनी सच्चाई है गांव से लेकर और शहर के बीच में, शिक्षित अशिक्षित, शहरी और ग्रामीण लोग, हर तरह के लोगों में सरकार को एक कोऑर्डिनेशन करना चाहिए, जमीनी सच्चाई पता करना चाहिए। आरक्षण, बिजली में भी आरक्षण, पंडित है तो उसको पैसे लो आप, अनुसूचित जाति जनजाति का है तो 100 यूनिट से कम कर दो, BPL वाला है उसके पास तो उसका ये कर दो। तो आर्थिक आधार पे बिजली जैसी चीज नहीं, सब चीजों में आदमी को रियायत मिलना चाहिए, पहली चीज तो ये हो, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बिजली हो या कोई भी चीज हो, एक चीज तो ये है। दूसरी बात यह है कि भारत में, मैंने अभी आपसे जो कहा था कि मध्य प्रदेश में 6 जिलों में जो 6 उद्योग स्थापित किए गए, उससे मेरी अभी कुछ दिन पहले मेरी कुछ उद्योगपतियों से इस विषय में बात हुई है, उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है। सबसे ज्यादा GST वो दे रहे हैं, पहले से वो देते चले आ रहे हैं, प्रोडक्शन उनका हो गया है, उनका माल रखा है, क्योंकि उनकी लागत बहुत ज्यादा थी, बिजली का बिल उन्होंने बहुत ज्यादा दिया है, नए जो लोग हैं उन्हें सस्ते दाम पे बिजली मिल गई, उनका आयात और निर्यात आसपास हो गया, उनका जो प्रोडक्शन था वो बिक गया, वो जंप कर गए और पुराने वाले लुढ़क गए। तो बहुत ज्यादा सरकार, चूंकि मुख्यमंत्री स्वयं भी उद्योगपति हैं, तो उद्योग नीति में जहां बिजली है उसके लिए इनकी नीतियां फेयर होना चाहिए। कैबिनेट में गरीब, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, सवर्ण या कोई बनिया हो, या कोई दलित हो, कोई भी हो, हम भेदभाव ना करें, गाय और बकरी दोनों एक घाट पानी पिए। सरकार रामराज हम इसको कहते हैं, अगर ये रामराज की बात करते हैं कमलनाथ, तो सबसे पहले इन्हें इस तरह की नीतियां बनाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर सरकार ने इस चीज के ऊपर संज्ञान नहीं लिया, मेरे सम्मानीय मित्र, मेरे गुरु झा साहब ने, आदरणीय झा साहब ने कहा अभी कुछ देर पहले 2 लाख करोड़, उस ओर उनका इशारा था, गौरव जी ने कहा था 2 लाख करोड़, पुरानी सरकार का ये बोझ नई सरकार ढो रही है, वो 2 लाख छोड़ के गए हैं, अब ये अगर इसमें नहीं करेंगे तो आबकारी में ये कुछ छोड़ के जाएंगे। तो ये जो पॉलिसी है, सरकारें कोई भी हो, उनका अंदर से जो भर्रा है, उनका जो ढर्रा है, उनकी जो नीति है, उनमें जो लोग हैं, उन चीजों में बदलाव की आज बेहद आवश्यकता है। समाज को यह चिन्हित करना होगा कि आज जो आदमी कांग्रेस में है, टिकट नहीं मिलने की वजह से वही व्यक्ति BJP में चला जाता है, आज जो पत्रकार कांग्रेस के पॉजिटिव खबर छाप रहा है, कल वही व्यक्ति BJP के लिए खबर छापने लगता है पॉजिटिव। तो ये बड़े ज्वलंत मुद्दे हैं डॉक्टर साहब, इन पर सुधार की बहुत ज्यादा गुंजाइश है और ये बुनियादी समस्या है, मैं समझता हूँ। जनता के प्रति संवेदनशीलता और इस तरीके की अगर कैबिनेट होती है
और मध्य प्रदेश की जनता को 7.25 करोड़ जनता को अगर इससे कुछ राहत मिल पाती है, 100 रुपए में 99 यूनिट बिजली निःशुल्क दे दी जाएगी और बाकी लोगों की कमर तोड़ दी जाएगी, इससे हटके इतर अगर कुछ ऐसी योजनाएं हों कि मध्य प्रदेश के सभी नागरिकों को जो जन सुविधा मिल सकती है, सरकार की ओर से जो व्यवस्था मिल सकती है, वो सबको हम सब बराबर हमारे अधिकार बराबर के मुद्दे पर मिले तो ज्यादा बेहतर होगा, सबका एक साथ विकास होगा। हमारे साथ इस मुद्दे पर समूह के पॉलिटिकल एडिटर कृष्णमोहन झा जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ खबर नेशन के एडिटर इन चीफ श्री गौरव चतुर्वेदी जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वरिष्ठ पत्रकार के रूप में राम शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर जनता जानना चाहती है कि हमारी सरकारें कर क्या रही हैं और भविष्य में क्या होगा, कमलनाथ की बिजली कैबिनेट में क्या निकल कर आता है यह तो आने वाले समय में ही पता चलेगा, लेकिन हमारा उद्देश्य आपको सच्चाई बताने का है और क्या चल रहा है यह बताने का है। बने रहिए डीएनएन पर, खबरों का सिलसिला जारी है, मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार।